वैसे बहुत अच्छी जगह ढूंढी है आपने भाई। क्या अच्छी जगह है, खानाबदोशों की तरह जी रहा हूं मैं, कभी इधर कभी उधर। तो किसने बोला था तुझे अपनी अकल इस्तेमाल कर? मैंने तुझे वॉर्न भी किया था। अब होगी ना गलती, क्या करें, बर्दाश्त कर रहे हैं, बर्दाश्त करेंगे। वही तो मैं तुझे कह रहा था मेरी जान, आगे बढ़, अभी मौका है। मौका? कैसा मौका? भाई सुल्तान का खास बंदा बन, उसका खास बंदा बनने के बाद उसके हर बंदे पे नजर रख। तू फिक्र ना कर, मैंने गेम बना लिया है। कल सुल्तान ने अपने खास बंदे को भेजा था मेरे पास, उसने कहा है हम पत्थर का जवाब ईंट से देंगे। वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। सुल्तान के खास बंदे भी अब तुझसे मिल रहे हैं। बस कुछ दिन ठहर जा, मुझे अपनी पोजीशन सेट करने दे, फिर देख मैं करता क्या हूं। भाई खुदा का वास्ता, आप कोई बड़ा कारनामा मत कर देना। वो तो उस दिन तेरी किस्मत अच्छी थी, गोली तेरे सर के पास से गुजरी है। अच्छा सब छोड़, ये बता तूने मेरा काम कर दिया ना? कौन सा काम? यार वो तुझे कहा था ना मेरे घर कुछ सामान चाहिए। ओ आई एम सो सॉरी यार, मैं भूल गया, मैं कल ले आऊंगा, प्रॉमिस। यार ये कुछ पैसे हैं, मम्मी को दे देना, परेशान हो रही होंगी यार। तो फिक्र ना कर, मैं घर जाके आंटी को समझा दूंगा कि तू किसी काम से बाहर क्या। तो नहीं होता यार, तो क्या होता मेरा? अल्लाह तेरे जैसा दोस्त हर किसी को दे। बस कर दे पगड़े, तो लाएगा क्या? यार मैं अब घर शिफ्ट करने का सोच रहा हूँ यार, दिल नहीं लगता यार, ऐसे भी जानकार रिस्क है भाई इधर। पहले तू इन झंझटों से निकल जा, उसके बाद घर भी देख लेंगे। चल ठीक है, तू भी अब निकल, मैं भी निकलूंगा। चल सही, तू तो अपना ख्याल रख। अब आ सुन, मेरा काम याद से कर दीजिए यार। फिक्र नहीं कर, मैं कर ले आऊंगा, नो वरी। गुड ऑफिस। ऑफिस अम्मी, आज खाने में क्या पका रहे हैं? मैं सोच रही थी कि तोरी पका लेते हैं। हाँ ये भी ठीक है, वैसे काफी दिन हो गए तुरई नहीं खाई। तो ठीक है, जाओ फ्रिज में से निकालो, उसे धोकर ना काट के चढ़ा दो। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं नहीं पका रही। अच्छा जूल में एक काम करें, गोश्त पका लें, काफी दिन से फ्रिज में पड़ा है, खराब हो जाएगा। वैसे भी तुरई कल तो लाए हम। बस तुम्हें काम ना करना पड़े। हाँ तो जब से राबिया बाजी गई है, जीप शामत आके रह गई है मेरी इस घर में। काम काम काम, मैं नहीं कर रही काम। जानते हैं राम, मैंने ना जिंदगी में पहली बार पराठा बनाया। बैठे तो बैठे, ये देखो ये आपने बनाया। हाँ परियाल बाजी, वैसे जो काम जिंदगी में पहली बार करते हैं ना, वो किसी को दिखाते नहीं। क्यों, उससे क्या होता है? उससे होता तो कुछ नहीं है, बट ठीक ठाक वाली बेइज्जती हो जाती है। इतना बुरा भी नहीं बना, हाँ बस थोड़ा कलर खराब हो गया। बात कलर की नहीं है, ये जो पूरा इंडिया का नक्शा आ रहा है ना, देख रही हैं आप, इसे खाने का तो मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं लूंगी। इवन मैं भी नहीं लूंगी। लेकिन आंटी आप जरूर इसको टेस्ट करिए, मैंने बहुत मेहनत से बनाया है। अम्मी वो मैं और फरियाद दादी मेरे कमरे में जा रहे हैं, थोड़ा मुझे कुछ काम था। बातें कम करना, क्योंकि खाना भी पकाना है। तो को खाना खाना बाहर से भी आ सकता है वैसे। अब ट्राई जरूर करिए। इस लड़की को तो घर के काम से कोई दिलचस्पी नहीं है, क्या बनेगा इसका? अब बताएं किसके बारे में बात करनी है आपको? अरे सारी इंफॉर्मेशन लाई हूँ तुम्हारे लिए। किसकी इंफॉर्मेशन? आमिर की और किसकी, पूरी रात जाके ना इंफॉर्मेशन जमा की है मैंने। पूरी रात कैसे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, सब कुछ छान मारा। अच्छा इन सब से आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई? सलाम दादी। वालेकुम सलाम। अरे आज दादी की कैसे याद आ गई? बैठो बेटा। जी जी, वो दरअसल सुरैया के बारे में एक रिश्ता आया था, उसके बारे में पूछना था। अरे बेटा उसके बारे में तो तुम फरियाल से पूछ लेते, वो तो सगे रिश्तेदार है उसकी।
हाँ वो तो है, लेकिन आपको तो पता है ऐसे मामलों में बड़ों की राय ज्यादा अहमियत रखती है। ये तो बात तुम ठीक कह रहे हो, अच्छा किया जो तुम मेरे पास आ गए। जी मुझे पता था आप मुझे मायूस नहीं करेंगे। यार देखो सुन के थोड़ी मायूसी होगी, लेकिन बंदा अच्छा है। देखो बेटा वो लड़का किसी बुराई में नहीं है, इस बात की तो मैं गवाह हूँ। चार चार गर्लफ्रेंड्स हैं उसकी, मैंने खुद अपनी आंखों से फेसबुक पे देखा है। बेटा वो हमारे घर कई बार आ चुका है, मगर मजा ले जो फरियाल को वो एक नजर उठा के भी देख ले। उसकी नजरें ऐसी हैं कि पूछो ही मत। क्या फेसबुक से ये भी पता चल जाता है? और फर्मा बर्दारी का तो ये हाल है, चाहे कोई भी काम कह दो मना ही नहीं करता कभी भी। पाकिस्तान का क्रिकेट मैच है ना, किसी की नहीं सुनता, सब कुछ छोड़ देता है। कोई तो ऐसा काम होगा जो आपने देखा हो और आपको बुरा लगा हो। हाँ एक बात है उसमें, कभी कभी तो वो अपनी माँ की भी नहीं सुनता। अम्मा के इशारों पे नाचता है। ये बात आपको कैसे पता चली? भाई कजन हूँ उसकी, इतना तो पता होगा मुझे। वैसे दादी उसकी हॉबीज क्या हैं? आप तो कब से जानती हैं ना उसे? बचपन से जानती हूँ उसे। एक्शन मूवीज का दीवाना है, रोमांटिक मूवीज उसे नहीं पसंद है। ये अच्छा है वैसे, चार चार गर्लफ्रेंड्स रखी हुई और जनाब देखते भी तो एक्शन मूवीज हैं। वाह। और खानदान कैसा है? बहुत ही शरीफ और खानदानी लोग हैं। हाँ लड़का थोड़ा सा टेढ़ा है, इतनी आसानी से काबू में नहीं आने वाला। देखना सुरैया की किस्मत खुलने वाली है, तुम्हारी बहन बड़ी गुणों वाली है। दादी आपने तो प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी, शुक्रिया। चले मैं चलता हूँ। अच्छा बाय, अल्लाह हाफिज। फरियाल भाजी ये सब बता के तो आपने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैं क्या सोच रही थी वो क्या निकला? तुम टेंशन नहीं लो, मैं हूं ना, सारी अपडेट्स देती रहूंगी। जी जरूर, अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो ये तो मुतमईन हो गया। वैसे एक बात कहूं, लड़का बुरा नहीं है। हाँ फोन तो कर लिया। शायसा, शायसा तुम्हारा फोन बज रहा है। हाँ फरियाल कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं ठीक। तुम्हारी भाभी बाहर कहीं मसरूफ है, कहो तो बात करवा दो। नहीं नहीं पहले आपसे तो बात कर लूं, काफी दिन हो गए आपसे बात नहीं हुई। हाँ भाई जब से तुम्हारी भाभी आई है तुम हमें लिफ्ट ही कहाँ करवाती। अब ऐसा भी कुछ नहीं है भाई। और बताओ खैरियत से फोन किया? हाँ वो मैं सोच रही थी कि आप लोगों को लंच पे इनवाइट करूं, गेट टुगेदर भी हो जाती, पता है दादी भी बहुत बोर हो रही हैं। हाँ ठीक है हम डिनर पे आ जाते हैं। नहीं नहीं डिनर टाइम पे नहीं। क्यों क्या हुआ? वो क्या है ना मुझे जाना है यूनिवर्सिटी के काम से दोस्तों के पास, प्रोजेक्ट भी मुझे सबमिट करवाना है सैटरडे को, इसलिए। फरियाल तुम्हें तो पता है ना कि मैं लंच टाइम पे ऑफिस में होता हूँ, कैसे आ सकूंगा? हाँ बट कोशिश तो कर सकते हैं ना। तुम्हें पता है मैं कोशिश भी नहीं कर सकता। हाँ तो शायस्ता भाभी को तो भेज सकते हैं ना, वो तो आ सकती हैं, दादी भी उनको बहुत याद कर रही हैं। हाँ ठीक है तुम शायस्ता से बात करो, अगर वो कहती है तो मैं उसे छोड़ दूंगा। हाँ मैं आप लोग का फ्राइडे को वेट करूंगी। ओके डन, मैं शायस्ता से कहूंगा कि वो तुमसे बात कर लूं। ओके भाई टेक केयर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये फरियाल को अचानक क्या हुआ? पहले तो कभी नहीं मिला है लंच टाइम पे, कहीं इन लोगों की प्लानिंग तो नहीं?
आपने आवाज दी थी? हाँ, वो तुम्हारा फोन बज रहा था। अच्छा, किसका फोन था? फरियाल की कॉल थी। क्या कह रही थी? लंच पे इनवाइट किया। लंच पे? किस दिन? जुम्मे के दिन। अच्छा ठीक है, चलेंगे। लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया, मैं लंच टाइम पे नहीं आ सकता, लेकिन शायस्ता जरूर आएगी। अदनान, ये आप कैसी बातें कह रहे हैं? मैं आपके बगैर नहीं जाऊंगी। आप जाएंगे तो मैं जाऊंगी, वरना नहीं। फरियाल और दादी चाहती हैं कि हम लोग वहां जाएं। अब मैं नहीं जा सकता, लेकिन तुम तो जा सकती हो ना? अदनान, आप जानते हैं कि वो लोग सिकंदर के पड़ोसी हैं। हाँ, मैं जानता हूँ। नहीं अदनान, मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं फरियाल को खुद मना कर देती हूँ। नहीं, मैंने उसे कह दिया और तुम जाओगी, बस। मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं फरियाल को खुद मना कर देती हूँ। नहीं, मैंने उसे कह दिया और तुम जाओगी, बस। नान, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि आप ये सब कुछ चाह क्यों रहे हैं। शेर साहब, मैं तुम्हें फैमिली लंच पे भेज रहा हूँ, कोई डेट पे नहीं। भरत नान, कोई गलत फहमी हो गई, कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा। और तुम्हें क्या हो गया? कल तक तो बड़ी मजबूती की बातें कह रही थी तुम, और आज एकदम से? कोई भी लड़की कमजोर नहीं होती अदनान, बस कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं कि उसे कमजोर कर देते हैं। पर मैंने फैसला कर लिया है कि तुम वहां जाओगी। अच्छा, अगर वहां सिकंदर आ गया, कुछ हो गया तो क्या सोचेंगे आप? तुम मेरी बीवी बन के जाओगी या सिकंदर की महबूबा? जाहिर है, आपकी बीवी हो तो इसी रिश्ते से जाऊंगी। तो फिर मेरी बीवी को पता होना चाहिए कि ऐसे सिचुएशन में उसने क्या करना। हाँ ठीक है, कल तक काम हो जाएगा। ओ मिस्टर मैनेजर, रुको, मैं करता हूँ। ओके, आई हैव अ गुड न्यूज फॉर यू। क्या गुड न्यूज? मैं अपने मिशन में कामयाब हो गई। अच्छा, और मिशन कौन सा था? कितने डफर हो ना तुम, भूल गए, कोई भी बात याद नहीं रहती। मैं तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारी मुलाकात शायस्ता से कराऊंगी। हाँ कहा था, फिर दाद दो हमारे दिमाग की। जीनियस हो जीनियस। क्या वाकई शायस्ता राजी हो गई है मुलाकात के लिए? नहीं यार, शायस्ता से तो बात नहीं हुई, फोन किया था तो अदनान भाई ने उठाया। तुमने अदनान से मेरी और शायस्ता की मुलाकात की बात की? तुम वाकई पागल हो फरियाल। अब इतनी भी पागल नहीं हूँ, मैंने ना उन दोनों को लंच पे इनवाइट किया है। अच्छा, ये बोलो ना, तो अदनान ने क्या कहा फिर? वो कह रहे थे उनका लंच टाइम पे आना मुश्किल है, लेकिन वो शायस्ता को भेज देंगे। तुम्हारी शायस्ता से कोई बात हुई? नहीं यार, शायस्ता से तो बात नहीं हुई, फोन किया था तो अदनान भाई ने उठाया। इसे फरियाल, तुम्हें लगता है हमें मिलना चाहिए?
तो बात करनी चाहिए। हाँ हाँ क्यों नहीं, इसमें बुरा क्या है। मैं तो चाहती हूँ कि आप लोग अपने माजी से बाहर आ जाएं। मैं जब पिछली बार उससे मिला था ना, तो मैंने उसकी आंखों में वही तड़प, वही मोहब्बत देखी थी जो हमेशा उसकी आंखों में मेरे लिए होती थी। फरियाल वो आज भी मेरा इंतजार कर रही, और ये इंतजार भी जुम्मे को खत्म हो जाएगा। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, जुम्मे को तुम दोनों की डेट फिक्स की है मैंने। पता नहीं जुम्मे को क्या होने वाला है यार। डरने की जरूरत नहीं है, जुम्मे को ना तैयार हो के आना, नाकाम आशिक। जब इस लड़की को फोन करो, एक घंटे से पहले अपनी तशरीफ का टुकड़ा लेके नहीं आती। और सिर्फ फरियाल बाजी ने एक अच्छी कशमकश में मुझे डाल दिया है। किससे बात करूं, किससे शेयर करूं मैं? हाय सुरैया, कहां मर गई थी तू यार? कब से वेट कर रही थी तेरा। यार बताया तो था तुझे मैंने कि ड्राइवर अम्मी को खाला के पास छोड़ने गया है, और अब वो वापस आता तो मैं तेरे पास आती ना। वैसे तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? पूछ यार। आमिर है ना, आमिर? हाँ, क्या हुआ, बीमार हो गया वो? नहीं यार, बीमार नहीं हुआ। तो फिर अल्लाह ना करे उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? कहाँ चोट लगी उसे, कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? सर में चोट आई है। ओहो, सर पे चोट लगी उसे। सर पे चोट लगी तो इसका मतलब कि वो भेंगा तो हो ही गया होगा, या उसकी याददाश्त चली गई होगी। सुरैया उसे भूल जा, इंसान की शक्ल अच्छी नहीं होती ना, वो बात एटलीस्ट अच्छी कर लेता है। ऐसी बात नहीं है, पूरा मोहल्ला मरता है मेरी खूबसूरती पे। मार ली बोंगिया। हो गया आपका दिल खुश, कुछ सुनना पसंद करोगी मेरी तुम? ठीक है भाई, बोल, खामोश हूं मैं। तो क्या मैं रात से कम परेशान हूँ? पर से तुम अपनी बकवास से मुझे परेशान कर रही हो। ये सही है, एक तो मदद करो ऊपर से बातें भी सुनो। अब बता ना क्या बोला है। कल रात ना फरियाल बाजी आई थी मेरे पास, आमिर से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। क्या क्या बताया? मत पूछ यार, यही कि उसकी चार चार गर्लफ्रेंड्स हैं। क्या? नहीं यार, और क्या क्या बताया उन्होंने? और ये बताया कि मेरी बैंड बजने वाली है। सुरैया, ये लड़का तो मुझे अमान से भी ऊंची फ्लाइट लग रहा है। मुझे भी यही लगता है यार, तभी तो तुझे बुलाया है। तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने ना कल रात आमिर के फेसबुक आईडी से उसका नंबर निकाला है। तो फिर क्या, फिर तू अपना फोन निकाल उसे कॉल कर। जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली हूँ। अगर मैंने फोन किया वो तो पीछे पड़ जाएगा मेरे, फिर छुटकारा पाना मुश्किल हो जाएगा। खुश रह कर, खुश फहमी में ना रह कर, अच्छा जो बोल रही है वो कर। फोन निकालो, बात कर उससे अभी फोन। ला नंबर दे। नोट कर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं आप? जी मैं सुंबल बात कर रही हूँ। जी बोलिए। वो मैं आपकी, मेरी, कौन मेरी? मैं पड़ोस, जी मैं आपकी पड़ोसन बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, मतलब आप मेरी पड़ोसी हैं। आप भी फोर्थ फ्लोर पर रहती हैं? जी जी मैं भी फोर्थ फ्लोर पे ही रहती हूँ। आप फोर्थ फ्लोर से जंप लगा दीजिए फौरन। क्या मतलब? मतलब ये कि फोन बंद करें और आइंदा फोन करने की जरूरत नहीं है, समझी? बदतमीज कहीं की। क्या बोला? हेलो, क्या हुआ, क्या कह रहा था? कुछ नहीं कह रहा था, बस वो यार इतनी बदतमीजी के इंतहा पे चला गया वो तो। हंस ले बेटा, हंस ले। अगर तेरी शादी के बाद उससे नहीं हुई होती ना, तो मैं उसको सही से बताती फिर। अच्छा गुस्सा छोड़ दे, चाय पिएगी? नहीं पीनी मुझे चाय, मैं जा रही हूँ। कुछ नहीं होता, बस बेइज्जती करवाया करो तुम मेरी।
इसे सच बताओ, उसने वाकई में तेरी बेइज्जती की? मारूंगी उसे भैया। और बेटा काम कैसा चल रहा है? बिल्कुल ठीक। आप क्यों पूछ रही हैं? बेटा वो सुरैया का रिश्ता आया है, अगर बात बन जाती है तो बहुत से पैसों की जरूरत पड़ेगी। हम यहाँ फिक्र ना करें, सुरैया को किसी भी किस्म की कमी नहीं होने देंगे। अल्लाह का शुक्र है, एक मसला तो हल हुआ। कोई और बात भी है क्या? हाँ बेटा, एक बात है जो मुझे बहुत परेशान कर रही है। क्या बात है, बताएं मुझे। तुम तो जानते हो बेटा, सुरैया के साथ कितना बड़ा हादसा हुआ था। हाँ अम्मी, वो एक हादसा था, लेकिन सुरैया अब उस हादसे को भुला चुकी है और आगे बढ़ रही है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन मुझे डर है कि उसका माजी उसके मुस्तकबिल के सामने ना आ जाए। अम्मी आप बिला वजह वहम पाल रहे हैं। देखो बेटा, लड़की की इज्जत जिंदगी भर की कमाई होती है, जरा सी ठोकर लगी और सब खत्म हो गया। आप फिक्र ना करें, मैं हूं ना, और अब तो हम वो इलाका भी छोड़ चुके हैं। आप देखिएगा, सुरैया एक बहुत अच्छी जिंदगी गुजर बसर करेगी। अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियां दे बेटा, और हर बहन को तुम जैसा भाई दे। आप बस सुरैया से कह दीजिएगा कि वो इस बात का जिक्र किसी के सामने मत करे। ठीक है बेटा, मैं सुरैया को कह दूंगी। ठीक है, अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, फिर मैं आता हूँ थोड़ी देर में। बेटा जल्दी घर आ जाया करो, आजकल हालात भी ठीक नहीं है। ठीक है, फिक्र ना करें। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़, फी अमान अल्लाह। मेरे बच्चे की हिफाजत करना। दो किलो आटा, दो किलो चावल, चीनी 3 किलो कर देती हूँ। 3 किलो क्या कर रही है दादी? चीनी, अरे सौदा खत्म हो गया था, मैंने बोला लिख लूं ताकि याद रहे मुझे। अच्छा तो ये 2 किलो आटा क्यों लिखा है, इसको 4 किलो करें। क्यों भाई, क्यों खर्चा बढ़ा रही हो मेरा? यार मैंने जुम्मे को ना दावत रख ली। जुम्मे को लोग नमाज की तैयारी करेंगे या तुम्हारे यहाँ लंच पे दावत में आएंगे? अब तो मैंने जबान दी थी, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा ये बताओ किस किस को बुला रही? शाइस्ता भाभी है, अदनान भाई है, हम है, और सिकंदर की फैमिली। और ये दावत हो किस खुशी में रही है भाई? अब किसी खुशी में तो नहीं हो रही, बस ऐसे दिल चाह रहे थे, मैंने गेट टुगेदर रख ली। तुम ना यूनिवर्सिटी में आ गई हो, लेकिन तुम्हारा बचपना अभी तक नहीं गया फरियाद। अरे दादी जब तक बचपना है जीने दे मुझे मेरी जिंदगी, कल का किसे पता। वैसे दादी क्यों ना हम आमिर को भी बुला लें। आमिर को? हाँ आमिर आएगा, सुरैया से बात होगी, उनकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, यू नो सीन ऑन हो जाएगा उनका। अरे वाह, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, यानी एक तीर में दो शिकार, तुसी ग्रेड हो भाई। वो कहते हैं ना, फरियाल के साथ रहोगे तो ऐश करोगे, जिंदगी के सारे मजे कैश करोगे। आइडिया अच्छा है, अभी फोन करती हूँ। अरे लड़की फोन तो ले जा, किससे बात करेगी? ओह सॉरी दादी, अच्छा हो याद दिला दी। अल्लाह ये लड़की बिना हमेशा जल्दी में रहती है, पता नहीं दावत का क्या होगा, ऐसा ना हो लोग आए और भूखे ही चले जाएं। चलो भाई मैं तो अपना कहा चीनी और क्या साबुन भी तो खत्म हो गए, ये साबुन। बहुत हो गया, मैंने सोच लिया है मुझे करना क्या। क्या सोच लिया तुमने? मैं मिट्टू को नहीं छोड़ूंगा। छोड़ तो चुका है मिट्टू को, वो अलग बात है, वो तुझे नहीं छोड़ना चाहता। मैं मजाक नहीं करता सिकंदर भाई, तो क्या कर सकता, 10 ज्यादा किसी बंदे को मार देगा या उसके किसी इलाके पे कब्जा कर लेगा, और क्या कर सकता है तू? उसने मुझे मारना चाहा, टीपू को। अबे क्या नहीं किया उसके लिए, बैंक रॉबरी से लेके मोबाइल स्नैचिंग तक की, और बदले में क्या मिला? गोली।
तो मेरे भाई हौसला रख, मैं जानता हूँ अभी तो बहुत मुश्किल वक्त गुजार रहा है। नहीं सिकंदर, भाई को हल्का नहीं लेना, ये वक्त मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर मैं चाहूँ ना तो मुठ्ठू को अभी बर्बाद कर सकता हूँ मैं। वो कैसे? तू तो जानता ना, हर बंदे की कमजोरी होती है और मिठ्ठू की भी कमजोरी है। मिठ्ठू की कमजोरी? हाँ है उसकी कमजोरी, जो सिर्फ मुझे पता है और कोई नहीं जानता। मिठ्ठू को पता है कि तू उसकी कमजोरी जानता है? हाँ। और ये बात तू मुझे अब बता रहा है? यार पहले कभी हमारी इस मौजूद में बात नहीं हुई, पर तू तो जानता है टीकू कितना ईमानदार। मुझे लगता है कि मिठ्ठू ने तुझे मरवाने की इसलिए कोशिश की क्योंकि तू उसकी कमजोरी जानता है, वरना मिठ्ठू तुझे मरवाता थोड़ी है। भाई देख, अगर अभी भी तेरा ट्रस्ट मिठ्ठू भाई पे है तो बेशक मुझे मत पता। नहीं सिकंदर, अब तेरे सिवा मुझे किसी और पर भरोसा नहीं। अच्छा तो फिर बता क्या है वो कमजोरी जो सिर्फ तू जानता है? मिठ्ठू भाई का एक बेटा है, तो सिर्फ मैं जानता हूँ कि वो कहाँ रहता है और क्या करता है। क्या? मिठ्ठू भाई का बेटा? नहीं ठीक, तुझे कोई गलत फहमी है। कोई अति गलत फहमी भाई, अगर मैं खुद उससे ना मिला होता तो फिर गैंग में क्यों नहीं मशहूर किया गया कि मिठ्ठू भाई की कोई फैमिली भी है? क्योंकि मिठ्ठू भाई ने उसको धंधे से बहुत दूर रखा हुआ है और वो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहा है। ये सब तुझे कैसे पता? मेरा मतलब है मिठ्ठू भाई ये सब तुझे क्यों बताया? ये अलग कहानी है मेरे भाई, कभी फुर्सत से मिलेंगे तो तुझे बताऊंगा। चल ठीक है तो निकल, और बात सुन, इस बात का जिक्र किसी से नहीं कर। पागल हो गया क्या? ये बात भी किसी को बताने की? तो अपना ख्याल रखा। बताए फिर हाफिज। वालेकुम अस्सलाम। पानी? हाँ बैठे। बात सुनो शायसा जी, परियाल से बात हुई थी तुम्हारी? नहीं, क्यों करनी थी उससे बात? हाँ उसे मैंने कहा था कि शायसा तुम्हें कॉल करेगी और आने का बताएगी, क्या ऐसा करो उसे फोन कर लेना, उसे कॉल करके बता दो कि तुम कल आ रही हो। अच्छा मैं फिर अभी कॉल कर लेती हूँ उसे। और मैं नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मेरे कुछ काम है। मैं आता हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस पढ़ाई हो रही थी और कल की तैयारी। अच्छा ये बताएं कल आप दोनों आ रहे हैं ना? अब अदनान का तो कंफर्म नहीं है पर मैं जरूर आ रही हूँ। गुड, एवरीथिंग इज ऑन ट्रैक। क्या मतलब? मतलब कुछ नहीं, कल ना आपके लिए एक सरप्राइज है। कैसा सरप्राइज? वो आप जब कल आओगे ना मैं आपको बता दूंगी, अभी ना मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, अल्लाह हाफिज। क्या हुआ, क्या कह रही थी? कुछ नहीं, बस वो कह रही कि कल टाइम पे आ जाए। मैं क्लास किचन में रख के रहा था। तुम फिर मुझसे झूठ बोल रही हो शाइस्ता। बड़ी तैयारियां हो रही हैं कल के लिए। जाहिर है कल का दिन है ही इतना बड़ा, तो सोचा आज से ही तैयारियां शुरू कर दूं। वाकई कल का दिन बहुत अहम है तुम्हारे लिए। बस इसीलिए मैं चाहती नहीं कि कोई कसर रह जाए। तो फिर क्या सोचा तुमने,
किस बारे में? यही कि कल किसके नाम के साथ जाओगी। उसी के नाम के साथ जाऊंगी जिसके साथ मेरा नाम जुड़ा है, जो मेरी असल पहचान बना। तुम्हारी बातें और तुम्हारे इरादे बहुत मजबूत लग रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी एक डर है। डर किस चीज का? पहली चाहत का दिल पे बहुत बड़ा असर होता, कहीं तुम्हारे कदम ना डगमगा जाए। मुझे खुद पे एतमाद है उतना जितना आपकी जात से ताल्लुक। आपका हाथ मेरे हाथ में, मेरे कदम कैसे डगमगा सकते हैं? सब है तो पैमान धरे के धरे रह जाते हैं जब महबूब सामने आता। भरोसा करके पीछे क्यों हट रहे हैं? इस रिश्ते का कोई भरम नहीं तोड़ूंगी। तो कल पता चलेगा किसका भरम टूटेगा। अदनान, अगर आपका साथ मेरी जिंदगी में है तो मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं जिंदगी भर आपका कोई भरम नहीं टूटने दूंगी। आज पता नहीं क्यों ना चाहते हुए भी दिल चाह रहा है कि तुम पे भरोसा कर लो। चले, मैं इसी बात में खुश कि आपके दिल ने मेरे हक में गवाही तो दी, लेकिन अक्सर दिल की बातें बहुत तकलीफ देते हैं। अगर नियत गलत हो तो? वो मिसाल तो सुनी होगी ना आपने। कौन सी मिसाल? नियत साफ तो मंजर है। रिश्ता है।